एक्चुअली आज मैं नए ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसिंग लाने वाला था वीडियो में, लेकिन एक्चुअली मुझे प्राइसिंग आज मिले नहीं, क्योंकि जो मेरा बंदा है, जो मेरे हमारे जो सेलर्स है, डीलर्स है अलग अलग जो, तो वहाँ से काफ़ी लोग काफ़ी बिजी के कारण आज मैं उनसे ले नहीं पाया, लेकिन आज शाम तक मुझे शायद प्राइसिंग मिल जाएगा मुझे। तो मैं आपको, अगर आज शाम तक मुझे मिल जाता है तो मैं कल आप लोगों को प्राइस, जो नए ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस अपडेट आए हैं मेरे पास, वो मतलब आने वाले हैं जो, वो मैं कल तक आपके वीडियो में ला दूंगा। तो इसलिए आज फिलहाल मैं फिर भी आज सेकेंड हैंड पीसी पार्ट्स में आप लोगों को कुछ डील्स बताना चाहता हूं जो हमारे वेबसाइट में आने वाले हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं, मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक सेलर बेच रहा है i3 6100, सिक्स जनरेशन का है और ये सेवन डे वारंटी नहीं है, ऑफकोर्स वारंटी नहीं होगा, सिक्स जनरेशन को तो काफ़ी ओल्ड हो गया। तो इसका प्राइस दे रहे हैं सिर्फ 3500 रुपीज़ में, 35,000 बोल दिया गलती से, 3500 रुपीज़ में। उसके बाद अगला एक सेलर दे रहे हैं एसुस का है 6900 XT स्टिक्स लिक्विड कूल वाला जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है, जैसे फोटो में देख सकते हैं बहुत तगड़ा लगता है देखने में, लेकिन सर प्राइस भी बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से ही प्राइस भी वैसे ही है। ये बोल रहे हैं कि जस्ट इसी साल का ही ख़रीदा हुआ है, जून का ही है, 29 जून का परचेस है, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 2 से 3 महीने के आसपास ही है। और क्या बोलते हैं, और ये बिल बॉक्स सभी सब कुछ अवेलेबल है, ये बेच रहे हैं 75,000 रुपीज़ में, तो थोड़ा ज़्यादा महंगा है जस्ट, क्योंकि वो एक्चुअली वो लिक्विड कूल के साथ आता है वो ग्राफिक्स कार्ड वो सब है, जैसे उससे थोड़ा और चीपर मिल सकता है, लेकिन वो जो लिक्विड कूल के हिसाब से प्राइसिंग ओके है, अच्छा ही प्राइसिंग है। उसके बाद है गैलेक्स का जो डुअल फैन वाला मॉडल है जो RTX 3070, ये बेच रहे हैं 34,000 रुपीज़ में, और बोल रहे हैं कि बॉक्स अवेलेबल नहीं है लेकिन बिल अवेलेबल है, जिससे आप वारंटी क्लेम कर सको इस सर्विस सेंटर से, और इसका वारंटी है 18 मंथ्स वारंटी अभी भी बाकी है, ठीक है। उसके बाद है इनकेस एक लैपटॉप का एक सेल है, लैपटॉप का अगर इनकेस अगर किसी को लैपटॉप चाहिए और 15,000 के नीचे प्राइस, मतलब बजट में या प्राइसिंग में, तो एक लैपटॉप सेलर भी सेल कर रहे हैं, i5 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है, 4GB रैम है और 500GB हार्ड ड्राइव है, और स्क्रीन साइज है 15.6 इंच वाला है, और ये बैटरी जो अभी जिसका बैकअप जो कितना देता है वो बोल रहा है कि एक घंटे से लेकर 2 घंटे आराम से दे देता है, और ये बेच रहे हैं 13,900 रुपीज़ शिपिंग कुरियर का चार्ज मिला के, ठीक है। उसके बाद आता है एक और सेम लिक्विड कूल वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है, वो भी ये भी 6900 XT है, ये सफायर का है, सफायर ब्रांड सबसे अच्छा होता है AMD के कार्ड बनाने में, तो इसका ये है 6900 XT सफायर, ये जो ब्रांड मॉडल है टॉक्सिक एक्सट्रीम एडिशन है, आप फोटो में देख सकते हैं, और ये बोल रहे हैं कि 6 मंथ ओल्ड है, लगभग 6 महीने के आसपास है, और बिल बॉक्स दोनों अवेलेबल है, और इसका प्राइस बता रहे हैं 72,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग। तो ये जो पहले जब मैंने बताया था आसुस वाला 75,000 का था लिक्विड कूल वाला, ये 72,000 का है, ठीक है। उसके बाद है एक कॉम्बो है जिसमें आपको कॉम्बो नहीं ऑलमोस्ट फुल सेटअप ही है, जिसमें प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है और ग्राफिक्स कार्ड है, सॉरी सिर्फ 3 आइटम दे रहे हैं, अच्छी प्राइसिंग है। Ryzen 3600X, आसुस का टफ B450M प्रो गेमिंग मदरबोर्ड है, और इसका बिल भी अवेलेबल है, और बिलिंग डेट है फेबररी 2021 तक का है, ठीक है, फेबररी 2021 तक का है। तो बोल रहे हैं कि अप्रोक्स 1.5 इयर्स वारंटी बाकी है अभी भी, और GTX 1660 गैलेक्स का है, और गैलेक्स में बोल रहे हैं कि 1660 गैलेक्स में बोला वारंटी नहीं है, लेकिन मैं आप हम लोग अपने साइड से 3 डेज का टेस्टिंग वारंटी दे देंगे, उसके हिसाब से प्राइस रखा है उन लोगों ने कि वारंटी नहीं है, उसके हिसाब से प्राइसिंग रखा हुआ है। ये तीनों आइटम दे रहे हैं 27,000 रुपये में सिर्फ, तो यार ये तो बहुत अच्छी प्राइसिंग है यार, तो आप ले सकते हैं चाहे तो 27,000 रुपये में ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर वो भी Ryzen 3600X और आसूस का टफ अच्छा मदरबोर्ड, ये तीनों अच्छा कॉम्बो है तीन का, 27,000 में ले रहे हैं, आप ले सकते हैं चाहे तो। उसके बाद है जोटेक RTX 3090 ट्रिनिटी OC जो ट्रिपल फैन वाला मॉडल आता है, और बिल बॉक्स अवेलेबल है, और 2 इयर्स वारंटी बाकी है अभी भी, और बोल रहे हैं इसका 80,000 रुपीज़ बोल रहे हैं, 80,000 प्लस शिपिंग का 300-400 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद है एक फुल सेटअप है ऑलमोस्ट दे रहे हैं, इसका मैं आपको स्पेक बता देता हूँ, Ryzen 3 1200 मतलब 1200 प्रोसेसर, गीगाबाइट का A320M मदरबोर्ड,
और 8 GB रैम और 256 GB NVMe SSD, 500 GB हार्ड ड्राइव भी है और कूलर मास्टर का 500 वाट SMPS और 1 ईयर वारंटी रिमेनिंग है और 15,000 में सिर्फ दे रहे हैं। तो ये पूरा कॉम्बो अगर 15,000 के आसपास में अगर ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा पूरा कॉम्बो है, अच्छा प्राइसिंग है पूरा हिसाब आप ऑलमोस्ट सभी मिल जा रहा है। और उसके बाद अपने हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर लेना, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपको लेना है इसके हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक डील है i7, एक ये भी फुल सेटअप है, फुल PC बिल्ड है ऑलमोस्ट इसका। इसका स्पेक है i7 12700F, इंटेल का प्रोसेसर है और गीगाबाइट B660M DS3H AX Wi-Fi मदरबोर्ड है। उसके बाद 16 GB रैम है RGB वाला। उसके बाद XPG का SSD है, 500 GB NVMe वाला SSD है और 1 TB हार्ड ड्राइव भी है और गीगाबाइट 650 वॉट का SMPS है और गैलेक्सी रिवोल्यूशन RGB कैबिनेट है, फोटो में देख सकते हैं। और टोटल सभी का ऑलमोस्ट 3 इयर्स वारंटी है, ठीक है 3 इयर्स वारंटी है और पूरा बिल्ड का कॉस्ट है 58,000 रुपीज़ ओनली। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्राइसिंग है यार, 58,000 में i7 12 जनरेशन का पूरा फुल सेटअप आपको मिल जा रहा है तो बहुत तगड़ी प्राइसिंग है यार, तो आप ले सकते हैं। तो यही कुछ आज डील था तो आप लोगों को मैं बताना चाहता था। और सॉरी गाइज, आज मैं नए ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग लाने वाला था लेकिन आज ला नहीं पाया। मैंने मतलब कांटेक्ट किया था दिल्ली और कोलकाता सब जगह, तो जो मेरे सेलर्स हैं, जो मेरे यहाँ डीलर्स हैं मुंबई ये सब में, अदर दूसरे यूट्यूबर्स लोग की तरह मैं उनकी तरह तो मैं जा नहीं पाता हूँ शॉप में जाके प्राइसिंग ले लूँ, क्योंकि आप जैसे दूसरे यूट्यूबर को देखते होंगे कि लोग शॉप में जाके लेते हैं। एक्चुअली मैं अभी कलकत्ता से शिफ्ट हो गया हूँ मणिपुर में कोई ऐसा कुछ मार्केट नहीं है कंप्यूटर का, लेकिन मैं फिर भी स्टिल छोटे मोटे दुकान है, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन जाऊँगा मैं वहाँ पर उस मार्केट में। यहाँ से मेरे घर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है जो मेन सिटी है, तो मैं एक दिन जाऊँगा तो मैं आप लोगों को वहाँ के प्राइसिंग बता दूंगा। वैसे कोई मतलब नहीं वहाँ के प्राइसिंग, क्योंकि बहुत हाई प्राइस है यहाँ पर, फिर भी स्टिल मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो, होप आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे भाई, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, मतलब एवरेज पकड़ के चलिए 500 व्यूज आते हैं तो एक एवरेज बता रहा हूँ, सिर्फ 5 लोग सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा सब्सक्राइब रेशियो है मेरा यार, ऐसा कैसे चलेगा भाई, मेरा वीडियो चैनल कैसे चलेगा भाई। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हेल्प कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। ओके चलो, टाटा बाय, जय हिंद।